दुधारू पशुओं में तत्वों की कमी से होने वाली समस्याएं पर रोकथाम भाग दो। किसान साथियों, जैसा कि हमने पिछले भाग में भी बताया था कि अच्छी सेहत और अधिक दूध उत्पादन हेतु पशुओं की खुराक में 14 तत्वों की जरूरत होती है और इनके अभाव में पशुओं में इन तत्वों के परिणाम स्वरूप दूध उत्पादन की क्षमता और काम में लाने वाले पशुओं में काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पशुओं पर कुछ और तत्वों के प्रभाव की। मैग्नीज पशुओं में हड्डियां बनाने में सहायता करता है। मादा पशुओं में इसकी कमी से कई बार बांझपन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। हड्डियों का कमजोर होना या टेढ़ा होना या फिर मुड़ जाना, घुटनों का मोटा हो जाना और मादा पशुओं में अस्थायी बांझपन होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके रोकथाम हेतु पशु चिकित्सक के परामर्श से बड़े पशुओं में 4 ग्राम और बछिया या कटिया को 1 ग्राम मैग्नीज सल्फेट डालें। आयोडीन ये थायराइड हार्मोन का हिस्सा होता है। अधिक बारिश में आयोडीन जमीन के अंदरूनी भागों में चली जाती है, जिसकी वजह से इसकी कमी आती है। चारे में अधिक नाइट्रेट की मात्रा भी इसकी कमी का एक मुख्य कारण बन जाती है। मादा पशुओं में बांझपन आना या जल्दी गर्मी में नहीं आना, समय से पहले बच्चा गिरा देना या मारा हुआ पैदा होना, लंबे समय तक इसकी कमी से दूध की उत्पादन क्षमता में भी कमी आती है और दूध की गुणवत्ता बढ़ाने वाली चिकनाई भी कम हो जाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम हेतु आयोडीन युक्त टिंचर 1-2 बूंद पानी पीने वाली जगह में मिला दें। जिंक जहां नाइट्रोजन खाद का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया हो वहां पर मुख्यतः ये समस्या देखने को मिलती है। चमड़ी का मोटा हो जाना और उस पर सिकरी पड़ना। मादा पशु में गर्मी आने से लेकर बच्चा पैदा करने की क्रिया में कठिनाई का होना। पशुओं में विकास की कमी नजर आती है, इसके लिए जिंक सल्फेट डालें। नमक आंतरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से भूख में कमी, दूध उत्पादन में कमी, काम करने की शक्ति में कमी, भार का कम होना, पशु कभी कभी कांपने लगता है और दिल की धड़कन भी सही नहीं चलती और लाल तत्व यानी हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाती है। इसके रोकथाम हेतु चारे में 1 किलो नमक प्रति क्विंटल की खुराक के हिसाब से मिलाकर दें। लोहा ये खून में लाल तत्व बनाने में सहायक होता है। लोहयुक्त तत्व 1 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से दें। पशु चिकित्सक के देखरेख में आयरन डेक्सट्रान का टीका दें। तो दोस्तों, इस बार हमने जाना कि किस तरह हम अपने पशुओं को सही समय पर सही तत्वों से युक्त चारा देकर उनके लिए तंदुरुस्त वातावरण और अपने लिए अच्छे दूध के उत्पादन को बढ़ावा देकर मोटा लाभ कमा सकते हैं।